ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 165 नए केस, लगातार घटी पॉजिटिविटी रेट। गुजरात के कच्छ में 4.2 की तीव्रता का आया भूकंप। गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। जेके के सुरक्षा हालात को लेकर एमएचए में बड़ी बैठक। कोरोना कंट्रोल फॉर्मूले में नहीं होगा कोई बदलाव, डॉक्टर वीके पाल ने कहा। बढ़ते आगे और मध्य प्रदेश की खास खबरों पर नजर डालते हैं। इंदौर में नर्सेस एसोसिएशन के विरोध प्रदर्शन के बाद अब नर्सेस संभागीय प्रांतीय समिति ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्वरूप हवन पूजन किया। राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कराया गया। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर पहले हड़ताल पर गए, उसके बाद नर्सेस एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 सप्ताह विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की सरकार को चेतावनी भी दी है। वहीं अब नर्सेस विभागीय प्रांतीय समिति ने भी सरकार के खिलाफ लामबंद हुए। नर्सेस विभागीय प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र त्यागी ने बताया कि यज्ञ हवन पूजन उन्होंने सरकार की सद्बुद्धि के लिए करवाया है। आज हमने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है। हमारी 8 सूत्री मांग है जिनको लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके द्वितीय चरण में हमने आज सद्बुद्धि यज्ञ किया है। आगे हमारा कल से मरीजों से क्षमा याचना कर फल वितरण करेंगे। 22 तारीख को हमारा प्रदेश लेवल का सामूहिक अवकाश रहेगा, और अगर फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 25 तारीख से मध्य प्रदेश की समस्त नर्सिंग स्टाफ। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 में आने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा करीब 72 सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी मालिकों से चार्ज की गई है। इस मौके पर जिला अधिकारी का कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो इस आपदा भरे दौर में सुविधापूर्वक जीवन यापन कर सके। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी के मालिकों को बुलाकर उन्हें सरकारी सुविधाएं व वैक्सीनेशन का लाभ देने के लिए चर्चा की गई। सभी वार्ड की शिफ्ट चार्ट के उन्हें वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके लिए अलग से 3 दिवसीय वैक्सीनेशन शिविर भी लगाया जाएगा। बैठक में शामिल शहर आपदा प्रभारी तुलसी सिलावट ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड कई शासकीय व निजी स्थानों पर सुरक्षा प्रदान करते हैं और रोजाना कई लोगों से उनकी मुलाकात होती है। इस कारण से उन्हें वैक्सीनेशन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन काफी अच्छी मुहिम चला रहा है। इंदौर शहर में 10,000 से अधिक संख्या में सिक्योरिटी गार्ड्स कार्यरत हैं। हो सकता है संख्या 15,000 तक भी पहुँचे हो, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड वे में सिक्योरिटी गार्ड्स वर्क कर रहे हैं। यह अवश्य है कि पुलिस में इनका पंजीयन होता है, पर इनको एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास किया गया है। और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते हैं सभी अत्यंत गरीब वर्ग के रहते हैं, और वेतन भी इनकी मेहनत के हिसाब से उतना उनको वहाँ नहीं प्राप्त होता है, हो पाता है। स्किल्ड को हो जाता है, अनस्किल्ड को नहीं हो पाता है। इसलिए इनको सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास किया गया है। पहले इनको वैक्सीनेशन के बारे में मोटिवेट किया जा रहा है, और दूसरे चरण में जो जितने भी शासन के लाभ हैं, जो जो पात्रता रखते हैं इस लाभ के लिए, इसी प्लेटफॉर्म पे वो जो पात्रताओं का लाभ भी इन जो हमारे शहरी गरीब वर्ग से जो बिलोंग करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको दिलवाया जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसी 75 एजेंसियों को सामान्य जिलाधीश महोदय ने यहाँ आमंत्रित किया, और जो इस संकट में, इस महामारी में, चुनौती में जो एक बड़ी चुनौती थी, इसके एक ब्रह्मास्त्र वैक्सीन लगाने का संकल्प लेने की बात आज शासन प्रशासन ने की है, क्योंकि ये हजारों लोगों से जुड़े लोग होते हैं। और जिस प्रकार से किसी मल्टी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कॉलोनी में जो ये सुरक्षा,
हनुमाना जनपद पंचायत के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को करोड़ों का फायदा पहुंचाया है। कल्पना सिंह के जीजा जनपद पंचायत हनुमाना कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर है। उनके द्वारा बिना जीएसटी नंबर के फर्जी फर्म बनाने सहित फर्जी वेंडर से भुगतान करने के अलावा भ्रष्टाचार के अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। विज्ञान भगवा क्रांति मंच के अध्यक्ष जयलेन्द्र सिंह बन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले में हो रहे भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़े से संबंधित तमाम दस्तावेज दिखाए और ये आरोप लगाए। जयलेन्द्र सिंह बन्ना ने क्षेत्रीय विधायक से जनपद अध्यक्ष की साठगांठ होने और उन्हें संरक्षण देने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने प्रशासनिक मन पंच परमेश्वर योजना मनरेगा सहित पीएम आवास एवं निराश्रित पेंशन योजना में भी करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान करने के आरोप लगाए हैं। जयरेंद्र सिंह बन्ना ने निष्पक्ष जांच न होने पर विघन्न भगवा मंच के द्वारा मजबूती से लड़ाई लड़ने एवं भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने की भी बात कही है। यह है कि विगत 3-4 सालों में जनपद पंचायत हनुमाना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। फर्जी वेंडर, फर्जी फर्म बना के, फर्जी बिल छपवा के, बिना जीएसटी के बिल, मतलब ये स्थिति है कि आप फर्जी वेंडर ये श्रुति ट्रेडर्स स्वयं यहाँ के एक जनपद पंचायत, इसकी जो बैंक डिटेल मैंने निकाली, बैंक डिटेल रखी हुई आप लोगों को दूंगा, तो बैंक डिटेल में इसके जो संचालक हैं वो यहाँ के पदस्थ एक ऑपरेटर हैं और जो यहाँ के जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष महोदय। मध्य प्रदेश के धार जिले में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। जिले को सिर्फ 960 डोज ही मिले थे, जिसकी वजह से जिले में के 39 सेक्टरों पर ताला लगा है। प्रशासन की तरफ से मुहैया कराए गए इन डोज को धार के गर्ल्स कॉलेज में बनाए गए सेंटर पर लोगों को लगाए गए। CMHO डॉक्टर जितेंद्र चौधरी ने बताया कि हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता कम थी, हमने एक ही सेशन जिले में लगाया, हमारी वैक्सीन के लगभग पूरे डोज लग चुके हैं। 21 तारीख से वैक्सीन का महाअभियान चालू हो रहा है, इसके अंतर्गत हमें आज रात में या कल वैक्सीन मिल जाएगी। हमने डिग्री कॉलेज में सेशन लगवाया, वैक्सीन की उपलब्धता मांग अनुसार सभी जगह पर है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे पास वैक्सीन आज रात में या कल मिल जाएगी और सेशन दोबारा से चालू हो जाएगा। सिडकुल हरिद्वार में जिलाधिकारी रविशंकर ने राव फिलिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। वैक्सीनेशन कैंप और टेस्टिंग किट सौंपने जाने के लिए आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि कोविड का इलाज समय से शुरू करना बहुत आवश्यक है, जरा सा भी देरी करने पर कोविड के मरीज के इलाज में जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड के संक्रमण की दर थोड़ी कम है, लेकिन हमें फिर भी वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार और पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। HPCL के ओर से जो है एक CRP मेजर करने का एक डिवाइस दिए हैं। फिलहाल ये प्रदेश में पहला बार ये इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जिसमें CRP जो ब्लड में जो रिएक्टिव प्रोटीन का जो मेजर करते हैं, जिसका जो है कोविड में ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है, उसको जो है 2 मिनट में जो है वो तुरंत ये डिवाइस बता देता है, तो उसी से जो है इलाज समय पे मिलेगा और बहुत शीघ्र मिलेगा, तो इससे जो है लोगों को बचाने में काफी मददगार रहेगा। इंदौर पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से करीब 5 लाख रुपए की कीमत की ब्राउन शुगर बरामद की गई है। बता दें कि रावजी बाजार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नरसिंह मंदिर के पीछे 2 व्यक्ति मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 संदिग्धों को, सचिन मीणा और सोनू बोराडे को गिरफ्तार कर लिया है। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से करीब 55 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिससे अन्य तस्करों को भी गिरफ्तार किया जा सके। रावजी बाजार थाना को सूचना मिली थी कि नरसिंह मंदिर के पीछे 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं और उनके पास में ब्राउन शुगर है। पुलिस द्वारा वहां पर दबिश दी गई और जो 2 व्यक्ति थे उनमें से वहां पर जब पहुंचे तो 2 व्यक्ति खड़े हुए मिले। उनका उनसे जब पूछताछ की गई, उन्होंने अपना नाम बताया, सचिन उर्फ बजरंगा
पिता राम सिंह मीणा, ये जो व्यक्ति है वो आगर रोड उज्जैन का रहने वाला था। दूसरा व्यक्ति सोनू उर्फ जला, पिता तुलसीराम बुराड़े, ये मोती तवेला का ही रहने वाला था। इनसे जब पुलिस ने पूछताछ की और इनकी जब जमा तलाशी ली तो सचिन के पास से 29.4 ग्राम और सोनू के पास से 25.2 ग्राम, इस तरह कुल 54.6 ग्राम। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है जहां एक महिला ने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो वायरल किया है, जिसमें यास्मीन नाम की एक महिला जो अपने पति आजम खान, सास और ननद के द्वारा अत्याचारों की शिकार हो चुकी है, उन्होंने बताया कि सास, ननद व पति आजम खान मुझे मार देना चाहते हैं, वहीं दूसरी शादी करने के लिए मुझे मेरे बच्चों से अलग कर देना चाहते हैं, जिसकी ये शिकायत मैंने रावजी बाजार थाने में की है, लेकिन वहां पर टीआई सविता चौधरी, एसआई सीमा धाकर द्वारा मुझे अपशब्द व गाली गलौज कर थाने से भगा दिया गया। वहीं इसके बाद पीड़िता ने आला अधिकारियों को शिकायत की, जिसके बाद पीड़िता को आश्वासन देकर भेज दिया गया है। मेरा नाम यास्मीन है, मैं अपनी सास से और अपने आदमी से बहुत परेशान हूँ। वो मेरे को है ना जबरदस्ती मार पीट करके घर से निकाल रहे हैं। ये मेरी सास और मेरा आदमी, ये अभी अक्टूबर से निकाला मुझे, अक्टूबर नवंबर से। और अभी हाँ अभी रावजी बाजार थाने पे मैंने करी थी, सविता चौधरी है टीआई मैडम, उनके कहने में गई थी अपनी शिकायत लेकर, तो उनसे मेरे आदमी की बातचीत अच्छी है, तो उन्होंने मेरी शिकायत भी दर्ज नहीं कर रही है और कह रही है कि बताए ना अब तुम्हारे आदमी के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ टीआई मैडम बोलती है और मेरे को बहुत जलील और बहुत यानी बदतमीजी से बात करती है और जलील करके निकाल देती। मैंने 2-3 चक्कर गई, जब भी उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी है और मेरे को साफ उन्होंने बोल दिया है कि बताना अब अगर तेरे घर पे गई तो अभी तेरे को यानी तेरे घर से निकाल देंगे, और यानी मेरे को ऊपर उन्होंने झूठा केस करा, यानी इतना वो परेशान कर मेरे आदमी ने जो मारपीट करी है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई भी करवाने गई थी। तो बताना इंदौर जिले के तूकोगंज थाना इलाके में एमजी रोड स्थित बिल्डिंग की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। बिल्डिंग में करीब 20 मजदूर काम कर रहे थे। युवक की मौत के बाद आक्रोशित मजदूरों ने बिल्डर पर आरोप लगाया है कि उनके लिए सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से यह घटना हुई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मजदूर की पहचान पंकज उर्फ पिंटू के नाम से हुई है। जिस बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था उसे शैलेंद्र जैन नाम के बिल्डर द्वारा कराया जा रहा था। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पिंटू उर्फ पिंटिया है, ये जो आनंद जूस है इसके पीछे वाले पोर्शन में एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पर दीवार गिर गई है, उसके अंदर नीचे गिरने से इसकी मौत हो गई। अभी ये जानकारी पता कर रहे हैं, अभी तो प्राथमिक रूप से। हरदा जिले के खेड़ीपुरा से एक हत्या का मामला सामने आया। 38 साल के युवक की रातों रात हत्या कर दी गई। बता दें कि पारिवारिक विवादों के चलते युवक की हत्या कर दी गई। वहीं युवक की पत्नी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों अलग कमरे में सोते थे। सूचना मिलते ही एसपी मनीष कुमार अग्रवाल, एसडीओपी हिमानी मिश्रा और सिविल लाइन थाना प्रभारी राजेश साहू अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू कर दी है। जांच में FSL की पूरी टीम और डॉग स्क्वाड भी शामिल रहा। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिला चिकित्सालय में शव को भेजकर आगे की जांच की जा रही है। जून में हर साल विश्व पिकनिक दिवस मनाया जाता है। पिकनिक का नाम सुनते ही बच्चे और बड़ों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि इंदौर के प्राणी संग्रहालय में 5 सालों से लगातार काम किया जा रहे हैं, जिससे निश्चित ही जनता ने काम का स्वागत किया है। साथ ही फूड फॉल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पिछले 5 सालों से फूड फॉल की बात करें तो पहले 12 लाख के आसपास हुआ करता था, लेकिन अभी प्रणाली संग्रहालय का फुटबॉल 20 से 22 तक पहुंच चुका है। प्राणी संग्रहालय का प्रयास रहता है कि नए नए प्राणी संग्रहालय में आते रहें, साथ ही साथ नई एक्टिविटीज भी दर्शकों को रिझाने का काम करती हैं, जिसके चलते प्रदेश के अन्य प्राणी संग्रहालय की तुलना में इंदौर के प्राणी संग्रहालय में दर्शकों की संख्या कम नहीं होती। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जू पहले से ही करीब करीब 1.5-2 महीने से बंद है, और इसलिए कारण विजिटर्स का आना भी बंद है, उसी को ध्यान में रखते हुए।
और अभी चूंकि पब्लिक का आना बंद है, सोशल गैदरिंग नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी रखना है, वो भी हमारा एक सब जो सिचुएशन करंटली चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, तो अभी जो भी डेज आ रहे हैं उसमें एक सिंबॉलिक ज़रूर हम लोग थोड़ा एनिमल्स को स्पेशल डाइट वगैरह हम लोग ज़रूर सप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई ऐसी सोशल या कोई अवेयरनेस एक्टिविटीज़ या पब्लिक को इन्वॉल्व होने वाली या सोशल या गैदरिंग होने वाली पब्लिक को इकट्ठा करके कोई कार्यक्रम करने जैसी स्थिति आ चुकी अभी नहीं बन रही है, इस कारण एक सिंबॉलिक ही है हमारा जो वर्ल्ड पिकनिक। रतलाम में कोरोना लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए नगर निगम सड़क पर उतरे, वहीं इसके द्वारा बार बार की जाने जाने वाली चलानी कार्रवाई से शहर के खुदरा फल व्यवसायी आक्रोश में आ गए हैं, जिसके बाद चलानी कार्रवाई करने पहुंचे दल को इस आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोश में फल व्यवसायियों ने सड़क पर फल फेंक दिए और कार्रवाई करने आए दल के सामने कहा कि पहले ही हम लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ने से परेशान है और अब बार बार चलान के नाम पर परेशान किया जा रहा है। जब छूट दी है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके फल फ्रूट बेचना है। अब ये कभी आ जाते हैं तो कभी 100 का चालान काट दे, कभी 500 का काट दे, कभी गाड़ी में हटा देते हैं। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ऐसे तो 3-4 महीने से मरे हुए पड़े हैं। आज आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे? हम लोगों ने प्रदर्शन किया, भैया अगर आप बेचने नहीं दोगे तो हम इनको हमारा फल को जो 10-15 हजार का इसको यही डाल के और अपने बच्चों को घर जाके छेड़ देंगे। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर नंबर 1 में थर्माकोल बनाने वाली हकीमुद्दीन कंपनी में आग लग गई, वहीं आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही कंपनी प्रबंधक ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कंपनी में कितना क्या नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सिंगरौली जिले के सरई थाना इलाके के ग्राम सुलरिया में बस पलटने से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बस में करीब 70 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि शाहवाल बस शाम को गजरा बहरा से लंधाडोल की तरफ जा रही थी, तभी सुलियरी मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। शाहवाल बस सर्विस की बस है जो बड़न से या गजरा बहरा से जो है लंधाडोल की तरफ जा रही थी, बर्दिया नाला पुलिया के ऊपर पुल के ऊपर वो बस पलट गई। उसमें तत्काल वहीं मौके पर पलटने के समय एक व्यक्ति था जिसने मुझे सूचना दिया, तो मैं अपनी थाने की गाड़ी लेकर तत्काल फोर्स के साथ वहाँ पहुँच गया। वहाँ 10-11 लोग जो घायल थे, ज़्यादा 2-3 उसमें गंभीर रूप से घायल थे, उनको और जो अन्य लोगों को चोट लगी थी उनको अपनी अपने वाहनों में भरकर रतलाम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक का नाम हितेश जेठानी है और रतलाम के TIT रोड पर अपने परिवार के साथ रहता था। गुरुवार सुबह मृतक की मां ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो हितेश की लाश पंखे से लटकी मिली, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। परिजन हितेश को फंदे से उतार कर आनंद फानंद में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक हितेश अहमदाबाद में TCS कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और 6 महीने पहले ही नौकरी लगी थी। हालांकि लॉकडाउन के कारण वो अपने घर रतलाम वापस आ गया था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धार जिले के बाद कस्बे में बीती रात को एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और खुद भी फांसी के फंदे से लटक गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा है था। रात को किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा, तभी पत्नी ने धारदार हथियार से पति पर हमला बोल दिया। पत्नी ने धारदार हथियार से कई वार की और पति का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया, जिसके चलते पति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हरे सिंह चौहान शासकीय शिक्षक के पद पर तैनात था। पुलिस के मुताबिक शिक्षक की एक और पत्नी थी और उसी को लेकर विवाद होता रहता था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल शाम की घटना है, इसमें पुलिस को सूचना मिली तो जब बाग थाना क्षेत्र में तो ऑफिसर्स ने वहाँ जाके जब चेक किया तो वहाँ पर एक पुरुष की लाश पड़ी हुई थी और एक महिला जो है वो फांसी पे लटकी हुई थी।
इस पूरे प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फॉरेंसिक टीम की विजिट के बाद ये क्लियर हुआ है कि पत्नी ने पति की हत्या करने के बाद फांसी लगा ली और जो परिवार के लोग हैं बच्चे हैं उनका बताना है कि इनमें आपस में झगड़ा चलता रहता था और संभवतः कल कोई झगड़ा हुआ जिसका ये रिजल्ट रहा। अभी अन्य जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे। मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।